नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्राई इस अकेडमी में। आज का डेट है 4th of October 2023 एंड यस, करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस का डिस्कशन में मैं शुभोदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए सबसे पहले पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आसाम ट्रिब्यून से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था, जहाँ पे बताया गया है इंडिजिनस मुस्लिम्स के रिलेटेड सर्वे इन आसाम। राइट, देखो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, सिंपली हेडिंग अगर देख लीजिएगा वो क्लियरली लिखा हुआ था दैट गवर्नमेंट ऑफ आसाम जो है उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया दी है, जिससे क्या इनिशिएट किया जा सके प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक असेसमेंट ऑफ फाइव इंडिजिनस कम्युनिटीज ऑफ मुस्लिम, फाइव इंडिजिनस ऑफ मुस्लिम्स कम्युनिटीज बेसिकली विच बिलोंग्स फ्रॉम असम, द रीजन ऑफ असम। राइट, एंड व्हाट आर दोस फाइव इंडिजिनस मुस्लिम कम्युनिटीज? दे आर गोरिया, मोरिया, देशी, सैयद एंड जोल्हा कम्युनिटीज। राइट, इन कम्युनिटीज के सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक असेसमेंट का प्रॉपर डेटा गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा रखा जाएगा। नाउ सवाल होता है दैट क्यों? अनडाउटेडली कुछ बेनिफिट्स के लिए। राइट, यस, व्हाट आर दोस बेनिफिट्स? यस, बोला जा रहा है दैट ये जो डेटा हो जाएगा गवर्नमेंट के पास, इससे फर्दर गवर्नमेंट अगर चाहे तो इन फ्यूचर में इसको यूज कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ, अगर सोशो सोचो कोई भी कम्युनिटीज की सोशियो या सोशल एज वेल एज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बढ़ाना है, या फिर उसको कुछ रिजर्वेशन देना है, या फिर कोई भी अगर गवर्नमेंटल स्कीम्स का प्रॉपर फायदा अगर उनको देना है, यस दिया जाएगा। और साथ ही साथ एकेडमिक एंगल पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ कुछ फायदे दिए जाएंगे, एज वेल एज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे फायदे उन लोगों को जिससे प्रोवाइड किया जा सके। दिस वाई दैट्स वाई दिस वाज देयर इन न्यूज। राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट गाइस, वी विल बी रीडिंग हियर अबाउट पिंक बॉलवर्म जो कि न्यूज में था। राइट, नाउ पिंक बॉलवर्म क्यों न्यूज में था? क्योंकि ये सिग्निफिकेंट डैमेज ये कर रही है कॉटन फील्ड्स में। कहां पर? नॉर्दर्न राजस्थान के रीजन में, हरियाणा, साउथ वेस्ट पंजाब, जिस जिस रीजन में कॉटन की बहुत ज्यादा खेती होती है उस रीजन में देखा जाता है, देखा जा रहा है दैट ये जो पिंक बॉलवर्म है इसके कारण यही है वो पिंक बॉलवर्म। कैन यू सी दिस? है ना, ये कॉटन बॉल्स के भीतर में घुसकर कॉटन के जो वो है उसको बिल्कुल खराब कर देती है ना। सो यस, वही बोला गया दैट फार्मर्स जो है पहले यूज करते थे बीटी कॉटन, राइट, सीड्स, बट उन बीटी कॉटन सीड्स की जो इफेक्टिवनेस थी अगेंस्ट दिस पिंक बॉलवर्म वो धीरे धीरे से घटते हुए हमको दिख रहा है। इसीलिए इसीलिए उनमें भी इस पिंक बॉलवर्म का अटैक हमको क्लियर शॉट दिख रहा है, और इस सिचुएशन हैज लेड टू ड्रास्टिक रिडक्शन इन द कॉटन यील्ड, जिससे ऑफ कोर्स फार्मर्स जो कि इन कॉटन की खेती कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है ना। इससे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ध्यान से देखना, यहाँ पे सीधा आपको बोल देगा पिंक बॉल वर्म वॉज रिसेंटली न्यूज, तो ये किस क्रॉप की खेती के साथ रिलेटेड है? चार दे देगा, राइस, व्हीट, है ना, मेज या फिर कॉटन, समझ रहे हो बात? तो अगेन ये पिंक बॉल वर्म जो है राइस की जो सीड्स है उसको खत्म नहीं करती है, समझेंगे? राइट, तो इसीलिए इस टाइप से दिमाग का चारों तरफ का जो डायरेक्शन खुला रखो, कभी भी क्वेश्चंस कैसे भी पूछा जा सकता है ना। पिंक बॉलवर्म जो है ये क्लियरली यहाँ पे बोला गया दैट ये है क्या, यह एक पेस्ट है जो क्या कॉटन फार्मिंग में हमको देखने को मिलता है, विच इज नेटिव टू एशिया, बट इट हैज बिकम इन्वेजिव स्पीशीज। कहां पर? मोस्ट ऑफ द कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज में अगर बात किया जाए, देखो ये सारे कंट्रीज जो देख लोगे ना, यस दीज आर द रीजंस, और यहाँ पे इनवेसिव, इनवेसिव मतलब अगर वहां पे आ जाती है तो बिल्कुल सब कुछ को खत्म कर देती है। राइट, तो वही चीज बोला जा रहा है दैट ये जो है इनवेसिव हो गया ज्यादातर कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में। वैसे सच अगर देख लीजिएगा दिस क्वेश्चन, यू नो नेटिव टू एशिया। राइट, नाउ ये जो है कंसिडर किया जाता है पॉसिबली द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट इन द कॉटन वर्ल्ड वाइड। कॉटन का जो दुनिया भर में सबसे भयानक वे में जो नेगेटिवली डिस्ट्रॉय करता है कोई भी पेस्ट, वो है ये पिंक बॉल वर्म। राइट, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे हम लोग बात करेंगे IGMS 2.0 पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल के बारे में। क्यों न्यूज था? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस दैट इज DARPG जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के अंडर आती है, इन्होंने लॉन्च किया है IGMS 2.0 पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल, और साथ ही साथ ऑटोमेटेड एनालिसिस इन द ट्री डैशबोर्ड पोर्टल भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। नाउ ये क्या यू एक्चुअली कर क्या रहा है ये IGMS, दैट इज अगर आप देख लीजिएगा यहाँ पर किया क्या जा रहा है। देखो बेसिकली अगर देख लोगे यहाँ पे क्या हो रहा है दैट एम क्या है, एम है दैट कैसे इनहांस किया जा सके पब्लिक ग्रीवांस के रिड्रेसल को। ऐसे अभी के भी अगर समय में देख लीजिएगा हर साल बहुत सारे ग्रीवांसेस आता है, और उसको कोई भी अगर
रिड्रेस करना हो गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज द मेन इश्यू ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? सो दैट इज व्हाई ये आईजीएमएस जो है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ग्रीवांस मॉनिटरिंग सिस्टम होने वाला है। इसलिए तो 2.0, पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट इसमें ऐड नहीं किए गए थे, बट अभी वाला जो है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट ऐड किए जाएंगे। इससे क्या होगा दैट ग्रीवांस रिड्रेसल जो हम और आप जैसे जो नॉर्मल जनता का होगा वो बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक कर दिया जाएगा, ठीक है? सो वही बोला गया दैट ये जो है ना कहीं अपग्रेड किया जाएगा हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस का ये पोर्टल है ना, जिसको हम लोग कहते हैं CPGRAMS पोर्टल, और इसको हम लोग AI कैपेबिलिटीज इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो सवाल होता है ये CPRAGMS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो क्या 24/27 24/7 हर हफ्ते के 7ों दिन 24 घंटा बिल्कुल खुली हुई है फॉर द सिटीजन्स, और सिटीजन्स अगर चाहे तो कोई भी ग्रीवांसेस डाल सकते हैं रिगार्डिंग द सर्विस डिलीवरी। ये कनेक्ट करता है ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स, और ऑफर करता है रोल बेस्ड एक्सेसेस। इनफैक्ट सिटीजन्स कैन ट्रैक ग्रीवांस स्टेटस, और सिटीजन्स जो है उन्होंने क्या अपील किया है, उसके ग्रीवांसेस क्या रिड्रेस हुए हैं क्या नहीं, अगर सिटीजन्स अगर चाहे हम और आप हम भी अपने ये सब चीजें ट्रैक कर सकते हैं, और इफ वी फील दैट ये चीजें प्रॉपरली हम लोग सेटिस्फाइड इससे नहीं है तो हम लोग इसका भी फर्दर रिजोल्यूशन वहां के ग्रीवांस ऑफिसर से हम लोग ले सकते हैं, समझ रहे हो? तो इसकी मल्टी यू नो आप बोल सकते हो एक्सेसिबिलिटी है जो कि हम लोग को दिया गया है फॉर आवर सेटिस्फेक्शन ओनली। और कहा भी गया है दैट एनुअली अगर देख लीजिएगा इस पोर्टल में 20 लाख ग्रीवांसेस, कम नहीं होता है, 365 दिन में अगर 20 लाख ग्रीवांसेस, उसको कौन सॉल्व करेगा, कैसे सॉल्व करेगा, कितना जल्दी? सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू सी, राइट? CPRAGMS इज नाउ अवेलेबल इन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। तो ये जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट के बारे में जो क्या जिसको आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से दिमाग में फिट कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे यारकोव्स्काई इफेक्ट के बारे में। एक्चुअली न्यूज क्यों है पता है, नासा का जो ओसिरिस रेक्स मिशन है उन्होंने सक्सेसफुली कुछ सैंपल कनेक्ट किए हैं फ्रॉम एक एस्ट्रॉयड जो क्या है बेनु, है ना, उस पर भेजा गया था और उससे सैटेलाइट लेकर उसके बाद उस के मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया टू डिफरेंट एस्पेक्ट, टू एपोफिस नाम का एक एस्ट्रॉयड है उसको। एंड यस मिशन जो है ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्यों? क्योंकि इस मिशन के दौरान जो है हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया कहीं ना कहीं सोलर सिस्टम में एक इफेक्ट जिसको कहते हैं यारकोव्स्काई इफेक्ट। तो सवाल होता है ये यारकोव्स्काई इफेक्ट है क्या? ये एक स्पेस में ऐसा फिनोमिना होता है जहां पर एस्ट्रॉयड जो है ना, देखो क्या होता है, जैसे ये सन अर्थ मान लो, तो सन से क्या एनर्जी आ रहा अर्थ में इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन, फिर से वापस लौट रहा है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, राइट? सो वैसे ही अर्थ जैसे एक सेलेस्ट्रियल बॉडी है, वैसे ही जो एस्ट्रॉयड भी सोलर मतलब स्पेस में घूम रहा है वो भी तो एक सेलेस्ट्रियल बॉडी हुआ ना। तो उस एस्ट्रॉयड में अगर एक छोटा सा एस्ट्रॉयड है उसमें भी तो सन की रोशनी आएगी ना, उसमें भी तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकल रहा है ना, राइट? तो ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रहे हैं और लॉन्ग वेव रेडिएशन घुस रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है दैट इसके कारण कहा जा रहा है दैट इनका जो एस्ट्रॉइड्स का जो ट्रेजेक्ट्री है ना, जैसे सोचो ये उसका पाथ है ना, इस पाथ में घूम रहा है, राइट? तो ये ट्रेजेक्ट्री को घूम एक चेंज कर लेता है अपना पाथ, ऐसा कहा जा रहा है, राइट? और इसी इफेक्ट को ही कहा जाता है यारकोव्स्काई इफेक्ट, राइट? भले ही ये क्लियरली बोला गया था दिस इफेक्ट कैन लीड टू अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट चेंजेस। हाँ डिविएशन भी अगर पाथ में होगा बहुत स्मॉल होगा बट सिग्निफिकेंट हो सकता है, इतना इनफैक्ट इतना सिग्निफिकेंट हो सकता है जिससे एक कोई एस्ट्रॉयड इस पाथ चेंज के कारण जो चेंज के कारण अर्थ से भी टकरा सकता है, ठीक है? तो ये है यारकोव्स्काई इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस के बॉन समिट के बारे में। एक्चुअली क्यों न्यूज में था, क्योंकि डेलीगेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो कि बॉन में हुआ था उन्होंने अडॉप्ट किया एक नया ग्लोबल फ्रेमवर्क जिसका एम क्या है, जिसका एम यही है दैट कैसे रिड्यूस किया जा सके एनवायरमेंट रिस्क जो कि एसोसिएटेड है विद केमिकल्स एंड वेस्ट। सो ये जो ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस बॉन समिट है ये इसमें जो फ्रेमवर्क है इस फ्रेमवर्क को हम लोग ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स का भी नाम दे सकते हैं जिनको दिया गया है, जो कि इंक्लूड करता है 28 टारगेट जिसको डिजाइन ऐसे किया गया जिससे इनहांस किया जा सके रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। और इसका एम क्या है, एम यही है दैट कैसे हार्मफुल केमिकल्स के एक्सपोजर से प्रिवेंट किया जा सके, कैसे फेड आउट फेज आउट किया जा सके ज्यादातर केमिकल एस्पेक्ट्स, है ना, जिसको ऑफ कोर्स यूज किया जाता है जिससे सेफ मैनेजमेंट उन केमिकल्स का हम लोग इंश्योर कर सके। क्योंकि देखो अल्टीमेटली अनडाउटेडली इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट हार्मफुल
केमिकल्स का जो एक्सपोजर है उसको हमको प्रिवेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक केमिकल भी नेवर नो अगर वो इकोसिस्टम में बाहर में आ गया तो ये कैसे इंटरेक्ट कर सकता है किस किस सब्सटेंसेस के साथ, राइट? सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. और उस फ्यूचर में क्या होगा, बायो मैग्निफिकेशन होगा, बायो एक्युमुलेशन, क्या क्या हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, राइट? सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट वी शुड टेक केयर ऑफ इट, राइट? सो इसीलिए बोला गया दैट ये जो डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स, ये डिक्लेरेशन कहीं ना कहीं इंकरेज करता है वेरियस कंट्रीज को दैट वेरियस कंट्रीज सपोर्ट कर सके ट्रांजिशन टू सर्कुलर इकोनॉमीज, है ना? मतलब जिसमें रिसाइकिल हम लोग कर सके उस टाइप की इकोनॉमीज को सर्कुलर इकोनॉमीज बोलते हैं. और साथ ही साथ हर कंट्रीज को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा दैट उनको सब्स्टिट्यूट्स डेवलप करना पड़ेगा हार्मफुल केमिकल्स का, जिससे ऑफकोर्स हेल्थ को सेफगार्ड तो किया जा ही सके बट साथ ही साथ इन्वायरमेंट वेस्ट को रिड्यूस किया जा सके और प्रमोट किया जा सके रिसाइकलिंग एफर्ट्स को, राइट? इसीलिए ये न्यूज में था. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट मरियाना के बारे में. प्रोजेक्ट मरियाना एक कोलाबोरेटिव एफर्ट है जिसमें इन्वॉल्व है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट और सेंट्रल बैंक्स ऑफ फ्रांस, सिंगापुर एंड स्विट्जरलैंड. और ये क्या कर रहे हैं, इसको करने से पहले आपको मैंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझाना है, जिससे आप जैसे सुने होंगे बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब तो सुना है ना? वो सब पता है किसमें काम करता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. दुनिया कहीं ना कहीं धीरे धीरे ट्रांजिशन कर रही है टुवर्ड्स एडॉप्शन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. और अब देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतना सिक्योर्ड नेटवर्क है ना, इतना सिक्योर्ड नेटवर्क है, जैसे मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ, कुछ अगर आपको डेटा भेज रहा हूँ, तो वो डेटा यहाँ पे स्टोर हुआ, एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक में ट्रांसफर हुआ, दूसरा ब्लॉक से तीसरा ब्लॉक में ट्रांसफर हुआ, तीसरा ब्लॉक में, ऐसे करके ट्रांसफर होते होते फाइनली आपको मिलेगा. तो जैसे मैंने आपको भेजा, से फॉर एग्जाम्पल आप इसी ब्लॉक में हो, ठीक है, उसके बाद आपके पास दूसरा ब्लॉक है, कोई दूसरा बंदा जिससे आपसे इंफॉर्मेशन गया, तो ये ब्लॉक जो है ना कैप्चर करता रहेगा और ये ब्लॉक को आप बीच से हटा नहीं सकते, वाइप आउट नहीं कर सकते. मतलब अभी जो डेटा मैनिपुलेशन होता है ना, वो डेटा मैनिपुलेशन फ्यूचर में नहीं हो सकता है अगर अगर इस ब्लॉकचेन का प्रॉपरली यूज किया जा सके. तो आप खुद सोचिए, अगर डेटा मैनिपुलेशन सबसे रिस्क किस चीज में होता है, फाइनेंशियल सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं दुनिया देख रही है दैट क्यों ना इस टेक्नोलॉजी को हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर में यूज कर सके. और इसीलिए ये प्रोजेक्ट मरियाना लॉन्च किया गया था, जिसका मेन फोकस था टू टेस्टिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग, क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेडिंग और सेटलमेंट्स होता है ऑफ द होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज अमंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहाँ कहाँ के हैं? यस, फ्रांस, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड के. और देखना चाहते हैं दैट इसको पब्लिक ब्लॉकचेन में रखकर दैट ये कितना ज्यादा सफल हो सकता है, राइट? तो इसीलिए ये क्लियरली बोला भी गया दैट ये जो प्रोजेक्ट मरियाना है ये क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, द सक्सेसफुल क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ हाइपोथेटिकल यूरो, सिंगापुर डॉलर एंड स्विस का फ्रांक. और ये एक सिमुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू किया जा रहा है. सो बेसिकली ये टेस्टिंग फेज में है, हम ये बोल सकते हैं. एंड इससे कहीं ना कहीं आने वाले जनरेशन में देखा जाएगा दैट फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रॉस बॉर्डर कैसे मैनेज किया जा सके, ठीक है, इसीलिए किया जा रहा है. नेक्स्ट इज अस्त्र मिसाइल के बारे में अगर आप देख लीजिएगा, यहाँ पे न्यूज था. क्यों न्यूज में था? क्योंकि इंडियन एयरफोर्स जो है इन्होंने सेट किया है टू इंडक्ट द इंडिजिनस अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल बाय द एंड ऑफ ईयर 2023. अस्त्र अस्त्र जो है फैमिली ऑफ इंडियन एयर टू एयर मिसाइल. एयर टू एयर मिसाइल मतलब जो हवाई जहाज जा रहा है ना, हवा में ही इस मिसाइल को छोड़ दिया और हवा में ही वो कोई दूसरे मिसाइल को टारगेट कर दो, उसको कहते हैं एयर टू एयर मिसाइल. वैसे ही होता है ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल, मतलब ग्राउंड में छोड़ा, ग्राउंड में जाके हिट करेगा. वैसे ही होता है ग्राउंड टू एयर मिसाइल, मतलब ग्राउंड से छोड़ा, एरियल कोई टारगेट को आपको नष्ट करना है, समझ लो. तो वैसे अस्त्र मिसाइल जो है ये एयर टू एयर मिसाइल है, जिसको पहले इट इज द फर्स्ट इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल जिसको डेवलप किया गया बाय डीआरडीओ, इसलिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. और अस्त्र जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जो क्या यूज करता है रडार गाइडेंस को, जिससे नेविगेट किया जा सके और टारगेट को प्रॉपरली पोजीशन किया जा सके, जिससे उसको इवेंचुअली हिट भी किया जा सके, राइट? ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ टुडे सेशन गाइस. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच.